हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर नंबर 7 ईवीएस का, जो कि है आई लव गुजरात। मैं गुजरात को बहुत चाहता हूँ, या फिर मुझे गुजरात बहुत ही पसंद है। सो लेट्स स्टार्ट रीड। उसके अंदर इट इज़ अ फ्लैमिंगो, ये जो इमेज जो है उसके अंदर जो बर्ड्स है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैमिंगो। एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात, यानी कि वो हर साल गुजरात के अंदर आता है। फ्लैमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। जो फ्लैमिंगो है वो क्या है, हमारा स्टेट बर्ड। फ्लैमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जो फ्लैमिंगो है वो कहाँ से आता है, फॉरेन कंट्रीज से। अलॉन्ग विथ फ्लैमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम, यानी कि जो फ्लैमिंगो है उसके साथ साथ सिर्फ फ्लैमिंगो ही नहीं, बाकी दूसरे बर्ड्स जो है वो भी आते हैं। बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज अ माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि ऐसे बर्ड जो कि फॉरेन कंट्री से आते हैं हमारे देश में, ओके, या फिर स्टेट में, उसे हम कैसे बर्ड बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड। इट सिम्स गुजरात हैज़ कम, दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, यानी कि इस वक्त वो क्या देखने वाले हैं, गुजरात जो है उसके कुछ ऐसे हिस्से है उसके बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है चिंकारा। चिंकारा बोलता है कम ब्रदर फ्लैमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात। जो चिंकारा है वो फ्लैमिंगो बर्ड है उसका वेलकम कर रहा है। आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ, यानी कि वो उसको क्या बताना चाहता है, कच्छ का जो डेजर्ट है उसको बताना चाहता है। फ्लैमिंगो से हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इट्स प्रोड्यूस इजंट इट, वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट है वो उत्पन्न होता है या फिर प्रोड्यूस होता है, ये सही है। तब चिंकारा कहता है यस, मोर देन हाफ ऑफ टोटल प्रोड्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, यानी कि जो स्टेट है उसके अंदर जो कच्छ का जो छोटा सा जो डेजर्ट है उसके अंदर इतना नमक प्रोड्यूस होता है जो कि कंट्री के अंदर जितना होता है उससे आधा नमक जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन टू दैट द कंडला हर्बियर लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ इज द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री। जो बे ऑफ कच्छ है, यानी कि कच्छ का जो बे है वो कहाँ पे है, हार्बर ऑफ द कंट्री, यानी कि वो क्या है, एक बड़ा सा बंदरगाह ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश का जो सेकेंड नंबर का जो लार्जेस्ट हार्बर से वो है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ प्रमोटेड हियर, यानी कि वहाँ से क्या होता है, इंटरनेशनल जो है वहाँ भी व्यापार या फिर सामान जो है उसकी लेन देन होती है। फ्लैमिंगो बोलता है फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ, बाय बाय। ओके, तो क्या बोलता है कि बहुत ही अच्छा है, आज मैंने कच्छ के बारे में तुमने मुझे बहुत कुछ बताया, एंड आई हैव टू सी एंटायर, जो गुजरात का एंटायर है उसे देखना चाहता है, और वो अब क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, यानी कि वो अब जा रहा है और कह रहा है बाय बाय। ग्रोस ग्लोइंग इन अ बनी रीजन ऑफ कच्छ इज द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। एशिया का सबसे ऊंचा जो ग्रास है वो कहाँ पे होता है, कच्छ के जो बनी रीजन है वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है थिंक एंड से, यानी कि सोच के बताना, विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस, यानी कि आपको बताना है कि आपके गांव में ऐसे कौन कौन से बर्ड्स जो है वो दूसरे विलेज या फिर दूसरी जगह से आए हैं, एंड वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू अवर स्टेट, यानी कि वो फॉरेन से हमारे स्टेट के अंदर क्यों आते हैं, ओके, वो बताना है। नाउ फ्लैमिंगो हैज़ रीच्ड टू पिरोटन आइसलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बाय ऑफ कच्छ, यानी कि अब जो फ्लैमिंगो है वो कहाँ पे पहुँचा, जामनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर पिरोटन आइसलैंड है वहाँ पे पहुँच गया। फ्लैमिंगो सेज यस डॉल्फिन, We are the bird from cold region, but during winter we come to Gujarat. जैसे हमने वहाँ पे
जो ऊपर क्वेश्चन था सेकंड नंबर का कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बर्ड्स है वो हमारे स्टेट में क्यों आते हैं, तो इसी कारण से क्यों, क्योंकि जब हमारे यहाँ विंटर होता है तब वहाँ पे क्या समर हो सकता है, तो उसी दौरान क्या है कि वो गर्मी में नहीं रह सकते, तो इसलिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब्दासा ऑफ अ कच्छ मेंट लार्ज टाउन ऑफ अ फ्लेमिंगो। वो जो अब्दासा है वो क्या है, लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, जहाँ पे बड़ी मात्रा में फ्लेमिंगो इकट्ठा होता है। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हैंस वी कम हियर। इस टाइम हम क्या करना चाहते हैं, गुजरात जो है उसकी विजिट करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सो डॉल्फिन सेज कम विथ मी, यानी कि मेरे साथ चलो, एंड सी हियर आर अ कोरल रिव्स, यानी कि अब क्या देखेंगे हम, कोरल रिव्स। रिव्स यानी जो बीच में जो खड़क जैसे होते हैं वो, पहाड़ के जैसा लेकिन छोटे छोटे। देर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डोल्फिन फिश लाइक मी। वहाँ पे क्या क्या रहे, कौन कौन रहता है, स्टार फिश है, जेली फिश है एंड उसके ही जैसे काफ़ी सारे डोल्फिन्स। इवन सी ककुम्बर, टॉर्टोइस एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर, यानी कि वहाँ पे दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। सो थिंक एंड से विच एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू सीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जो कि ईयर के पूरे ईयर के दौरान आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं। विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मानसून, मानसून की जो सीज़न होती है उसके दौरान कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मानसून की सीज़न में जो अर्थ वर्म होते हैं उसको हम ज़्यादातर देखते हैं, उसके बाद जो फ्रॉग है वो भी हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। वेयर डू फ्रॉग गो आफ्टर मानसून, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि जो फ्रॉग है वो मानसून की सीज़न जैसे ही ख़त्म होती है वो हमारी नज़र से क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं, हमें दिखाई देते हैं नहीं है। तो ये जो फ्रॉग्स है वो कहाँ चले गए होंगे, तो हम कह सकते हैं या तो फिर अंडर द सॉइल यानी कि जो ज़मीन है उसके नीचे चले गए होंगे, या फिर जो वाटर पार्क है या फिर कोई पॉन्ड है तो उसके पानी में वो चले गए होंगे। व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल लिविंग इन वाटर, जो पानी के अंदर जो है एनिमल्स रहते हैं उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उस पानी को गंदा नहीं करेंगे, ओके, और ऐसे तैसे जो केमिकल्स है जो कि उसके अंदर जा रहे हैं उसको हम स्टॉप कर देंगे। इसी तरह से हम जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ अवर कंट्री, जो डॉल्फिन है वो क्या है, हमारी कंट्री के लिए एक एक्वेटिक एनिमल्स है। नेक्स्ट है लायन, आप सभी लायन के बारे में तो जानते ही हो। वेलकम फ्लेमिंगो, लायन्स कहता है फ्लेमिंगो तुम्हारा स्वागत है। फ्लेमिंगो से डू यू लिव हियर, क्या तुम यहीं रहते हो। लायन ने से यस वी आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया, पूरे एशिया के अंदर हम कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट के अंदर। गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी ऑफ एशियाटिक लायन इन एंटायर एशिया, जो गिर फॉरेस्ट है वो पूरे एशिया के अंदर ओनली एंड ओनली वन ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे ये जो लायंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। फ्लेमिंगो सेड व्हाट इज़ अ सेंचुरी, यानी कि ये क्या है सेंचुरी। तो लायन ने कहा अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रेड इज नोन एज अ सेंचुरी, यानि कि ऐसा एरिया जहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स है वो किसी के डर के बगैर वो अपनी तरह से घूम सकते हैं और उसका वहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट होते हैं वहाँ पे, तो ये जो एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंचुरी। देर आर अ सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक अ बियर, वायलेस, ब्लैक बग एंड चिंकारा, तो ये जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी ऐसी काफ़ी सारी सेंचुरीज जो है वो हमारे स्टेट के अंदर है। थिंक एंड से इज देर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी कोई सेंचुरी है, अगर है तो उसके बारे में लिखना है। विच एनिमल और बर्ड्स इज दिस सेंचुरी नोन फॉर, यानी कि कौन कौन सा एनिमल है जो कि जो सेंचुरीज होते हैं उसके नाम से फेमस है वो लिखना है। हैव यू एवर विजिटेड एनी
सेंचुरी यानी कि क्या आपने कभी भी सेंचुरी जो है उसकी विजिट की है? विच स्पेसिफाई एनिमल्स एंड बर्ड इज सीन इन योर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स है जो कि स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है रीड. फ्लेमिंगो इज गोइज टू गिरनार. अब फ्लेमिंगो कहाँ पे जाता है? गिरनार जाता है. देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात. जैसे कि गिरनार पे हिल है, वैसे ही दूसरी कई सारे जो हिल्स है वो गुजरात के अंदर है. अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंज इन पंचमहाल. जो पावागढ़ है वो कहाँ पे? विंध्याचल हिल रेंज है, वो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में है. वैसे ही आरासुर इन द अरवल्ली रेंज ऑफ बनासकांठा. जो अरवल्ली रेंज है वो कहाँ पे है? बनासकांठा. सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट. और जो सापुतारा है वो कहाँ पे है? सातपुड़ा रेंज ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट. एंड शेत्रुंजय इन भावनगर. और जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कौन सी हिल्स है? शेत्रुंजय. देर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल इन गुजरात. हम जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लार्ज और स्मॉल हिल्स जो है वो हमारे स्टेट में है. नेक्स्ट है राइट. राइट के अंदर क्या है? नेम ऑफ हिल एंड अ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट. यानी कि आपको हिल्स जो है उसके नेम लिखने हैं, उसके ऊपर से क्या लिखना है, वो कहाँ पे है वो लिखना है. पहले तो है सापुतारा, तो डांग में है. अरवल्ली जो है वो बनासकांठा है. शेत्रुंजय हिल जो है वो भावनगर है. उसके बाद पावागढ़ जो है वो पंचमहाल में, और गब्बर जो है वो बनासकांठा में है. ओके, तो ऐसे जो हिल्स है वो आपको, अगर दूसरी हिल आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. उसके बाद है रीड. देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन अ वेरावल अलोंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात. यानी कि जो वेरावल है वहाँ पे सबसे बड़ा फिशरी सेंटर है. फ्लोरिशिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ व्रिक शिप थ्रीविंग इन अ अलोंग पॉट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. यानी कि जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कहाँ क्या होता है कि जो टूटे हुए जहाज है उसके मलबे जो है उसका व्यापार वहाँ पे अच्छी तरह से होता है. नेक्स्ट है बाम्बू सारद हरदरवो शीशम एंड टिमरू ट्रीज ग्रोस इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग. वो कहाँ पे होते हैं जो ट्रीज जो है वो कहाँ पे होते हैं? डांग जो है उसके फॉरेस्ट में वो ग्रो होते हैं. बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस इन अ ह्यूज क्वांटिटी. और जो बिल्डिंग वुड जो टीक है वो भी हमारी कंट्री, हमारे जो स्टेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेन रीजन. यानी कि जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ पूरा होता है तहाँ वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या है? फॉरेस्ट रीजन. ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर. यानी कि जो बॉटनिकल गार्डन होता है सबसे अच्छा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? वगाई और गिरा फॉल है, वो भी कहाँ पे? डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. सापुतारा जो है वो क्या है? ओनली वन हिल स्टेशन ऑफ गुजरात है. उसके बाद है गुजरात इज द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स. हम जानते हैं कि गुजरात जो है उसके अंदर काफ़ी सारे रिवर्स है. नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर. साबरमती, तापी एंड महीसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात. जो नर्मदा है वो क्या है? सबसे बड़ी रिवर्स है वो नर्मदा है. उसके बाद साबरमती, तापी एंड महीसागर जो है वो भी रिवर्स काफ़ी बड़ी है. सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ड ऑन नर्मदा रिवर. जो सरदार सरोवर जो डैम जो है वो कहाँ पे बिल्डअप हुआ है? नर्मदा रिवर जो है वहाँ पे. बाय दिस इरिगेशन स्कैम वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन ऑफ गुजरात. यानी कि वहाँ पे सिंचाई योजना के थ्रू जो पानी है वो गुजरात के हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सप्लाई होता है. वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ. वाटर कहाँ तक सप्लाइड होता है? कच्छ
तक सप्लाई होता है. दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और वो जो डैम है वो किस लिए यूज भी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे जनरेट करने में. अच्छा, उसके बाद है थिंक एंड से. डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्ट ऑन रिवर. हम सभी जानते हैं कि जो डैम है और ब्रिज है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, रिवर के ऊपर. व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन दिस टू, यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो सिंपली डिफरेंस क्या होता है, जो डैम होता है वो क्या है कि मल्टी लीटर्स वाटर जो होता है उसको स्टोर करने के लिए जो है डैम बनाते हैं. और जो ब्रिज होता है जो कि रिवर पे होता है वो क्या होता है, जो व्हीकल्स और अदर जो पासिंग जो व्हीकल्स होते हैं उसको एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने में मदद होता है. ओके, उसके बाद है रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कौन कौन से रिवर है वो लिखना है. साबरमती फादर बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर सबसे बड़ी रिवर कौन सी है उसके बारे में लिखना है. सो साबरमती डैम लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कौन कौन से डैम्स है उसके बारे में लिखना है. उसके बाद है द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच्ड गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात टू विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कंडला डैम ऑफ महिसागर. अब देखो फ्लेमिंगो जो है वो वहाँ से उड़ के कहाँ पे पहुँचा, सीधा गांधीनगर जो हमारा कैपिटल है वहाँ पे पहुँचा. किस लिए, वो विजिट करना चाहता था अमूल डेयरी एंड कंडला डैम जो कि कहाँ पे, महिसागर में. गांधीनगर इज़ द सिटी ऑफ गुजरात प्रोसेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि गांधीनगर जो है वो गुजरात की सबसे ऐसी जो सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ जो है वो है. द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोडा पार्क एंड महात्मा मंदिर. फ्लेमिंगो जो है उसने और क्या विजिट किया, इंद्रोडा पार्क एंड महात्मा मंदिर भी उसने विजिट कर लिया. फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर. जो अहमदाबाद है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जो साबरमती रिवर जो है उसके किनारे पे सिचुएटेड है. दिस इज गांधी आश्रम, यानी कि वो अब कहाँ पे पहुँच गया होगा, गांधी आश्रम पहुँच गया होगा. जय हो गांधी बापू. वाह, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल. वहाँ पे जाके वो क्या बोला, जय हो गांधी बापू, एंड बोला वाह कांकरिया लेक ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल. उसने कांकरिया जो लेक है उसको कैसा बहुत ही पसंद आया और बोला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल. उसके बाद नल सरोवर इज अ बर्ड्स सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर. सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद है उन दोनों के बीच में एक नल सरोवर करके है जो कि बर्ड सेंचुरीज है. ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर, यानी कि जैसे विंटर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ के जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं. आई एन्जॉयड इन गुजरात एन्जॉयड अ लॉट आई लव गुजरात. जो फ्लेमिंगो है वो कहता है मैंने गुजरात में बहुत ही एन्जॉय किया एंड बहुत सारा एन्जॉय किया एंड आई लव गुजरात, यानी कि मुझे गुजरात बहुत ही पसंद आया है. उसके बाद है एक्टिविटी. एक्टिविटी के अंदर क्या है, फील येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो, यानी कि आपको जो ये पूरे चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पे भी फ्लेमिंगो ने विजिटिंग की है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आपको कौन सा कलर करना है, येलो कलर्स फिलअप करना है. उसके बाद लास्ट में गुजरात इज़ अवर्स, यानी कि जो गुजरात है वो क्या है, हमारा है. नाइदर माइन नॉर योर, ना ही कि सिर्फ मेरा है और ना ही तुम्हारा है. नाइदर हीज नॉर हर्स, ना ही उसका है ना ही दूसरों का है. गुजरात बिलोंग्स टू अस, यानी कि जो गुजरात है वो हमारी वजह से है, हमारा जो अस्तित्व है वो गुजरात में है. गुजरात इज अवर्स और गुजरात जो है वो हमारा है. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमने जो फ्लेमिंगो है वो कहाँ कहाँ पे विजिटिंग करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुजरात में आता है और उसके बाद वो चिंकारा से मिलता है. चिंकारा उसको काफ़ी सारा इंट्रोड्यूस देता है कच्छ के बारे में. उसके बाद वो डॉल्फिन से मिलता है. डॉल्फिन जो है उसे वो कोरल रीफ्स के वहाँ पे ले जाता है
और वहाँ पे स्टार फिश जेली उसके बारे में बताता है। उसके बाद वो जाता है सीधा लायन को मिलने। लायन कहाँ पे मिलता है? गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। वहाँ से वो सीधा गिरनार जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे हिल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे भी वो क्या करता है? विजिटिंग करता है। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है? वेरावल जाता है। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उसके बारे में वो जानता है। उसके बाद वो रिवर्स के बारे में भी जानता है। उसके बाद डैम्स जो है उसके बारे में जानता है। उसके बाद वो गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों जगह पे वो क्या करता है? विजिटिंग करता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं गुजरात के अंदर आया, मुझे बहुत ही मज़ा है, मैंने खूब सारा एंजॉय किया और मुझे गुजरात काफ़ी पसंद है। ओके, थैंक यू वेरी मच।